नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टाइम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बेबीज के लिए। जी हाँ दोस्तों, माँ बाप बनना एक बेहद ही सुखद अनुभव होता है। यह ईश्वर का ऐसा आशीर्वाद है जो सबको नसीब नहीं होता। मगर माँ बनने का दूसरा पहलू भी है कि माँ बनते ही आपकी जिम्मेवारियाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। एक नवजात बच्चे की देखभाल दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक है। बच्चे के जन्म से लेकर 6 माह तक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान बच्चे को ज्यादा देखरेख की आवश्यकता होती है। कई बार कुछ महिलाएं जो पहली बार माँ बनती हैं, यह नहीं जानती हैं कि बच्चों को 6 महीने से पहले पानी नहीं पिलाया जाना चाहिए। जी हाँ, यह बात कई महिलाओं को पता नहीं है कि 6 महीने से पहले बच्चे को पानी नहीं पिलाया जाता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आइए आपको बता देते हैं कि शिशु को पानी की कब जरूरत होती है। ठोस आहार की तरह बच्चों को पानी भी 6 माह के बाद ही देना चाहिए, यानी कि जब बच्चा 6 मंथ का हो जाए। इससे पहले आपके बच्चे को पानी की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, बच्चे को पानी की जरूरत माँ के दूध के द्वारा ही पूरी हो जाती है। 6 माह से पहले पानी देना बच्चे के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो माँ का दूध बनना कम हो जाता है और बच्चे की आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं। बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तो ठोस आहार की शुरुआत करनी चाहिए। जब ठोस आहार की शुरुआत होती है तो बच्चे को पानी पिलाना भी शुरू कर देना चाहिए। पानी मदद करता है बच्चे को खाना पचाने में। जब आप बच्चे को ठोस खाना देती हैं तो पानी भी साथ में दीजिए, ताकि बच्चे को खाना आसानी से पच सके। आप अपने बच्चे को दिन में 4 से 5 बार 2 से 3 चम्मच पानी पिला सकते हैं। इससे ज्यादा पानी पिलाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जो जो बच्चा बड़ा होता है उसी हिसाब से उसकी पानी की मात्रा थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाते रहें। आइए अब आपको बताते हैं कि बच्चे को जो पानी पिलाया जाए उसमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे को सीधे नल का पानी बिल्कुल न पिलाएं। बच्चों में संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम होती है, ऐसे में नल का पानी बच्चे को बीमार कर सकता है। बच्चे को पिलाने वाला पानी तैयार करने के लिए आप पानी को उबाल लें। कम से कम इसमें 2 या 3 मिनट तक उबाल दीजिए और पानी को ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब पानी ठंडा हो जाए तो उसे ढक कर रख दीजिए। इस पानी का इस्तेमाल ही आप अपने बच्चे को पिलाने के लिए करें। आप अपने बच्चे को 24 घंटे से ज्यादा पुराना पानी न पिलाएं, यानी कि लगभग आपको एक दिन में एक बार पानी को जरूर उबालना चाहिए और उसी को ही पिलाना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं कि 6 महीने से पहले शिशु को पानी क्यों नहीं पिलाया जाता। बहुत से माँ बाप 6 महीना पूरा होते ही बच्चों को पानी देना शुरू कर देते हैं। यह गलत है। ऐसा तभी करें जब डॉक्टर ऐसा करने की सलाह दे। अक्सर जब शिशु को अतिरिक्त दूध की पूर्ति नहीं हो पाती है तब ऐसी नौबत आती है। 6 महीने पहले बच्चे को पानी पिलाने से बच्चे में कुपोषण की समस्या बढ़ सकती है। माँ के दूध से ही बच्चे में पानी की पूर्ति हो जाती है, इसलिए जब भी आवश्यकता हो तो आप उसे 6 माह तक केवल दूध ही पिलाएं, पानी का सेवन बिल्कुल न कराएं। अगर आपको बहुत अधिक समस्या है या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा गर्मी है तो भी बच्चे को पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी में अगर आपको महसूस होता है कि बच्चे को पानी की आवश्यकता है तो आप उसी समय उसे अपना दूध पिलाएं। जिन बच्चों को 6 महीने से पहले पानी पिलाया जाता है उनमें ओरल वाटर इंटॉक्सिकेशन होने की समस्या पाई जाती है। यह इन्फेक्शन बच्चों के दिमाग पर बुरा असर डालता है। 6 माह से पहले पानी पिलाना बच्चे के पाचन तंत्र पर भी बहुत बुरा असर डालता है। ऐसा करने से बच्चे कुपोषित हो सकते हैं। जब भी आप पानी पिलाने की शुरुआत करें, आधी 1 चम्मच से कर सकते हैं। इसको धीरे धीरे उसकी उम्र के हिसाब से बढ़ाते रहिए। कभी भी ज्यादा पानी न पिलाएं, क्योंकि इससे उसका पेट भर जाता है और उसको दूध और दूसरे खाद्य पदार्थों से मिलने वाले पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिससे वह कुपोषित हो सकता है। तो दोस्तों आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के और भी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हेल्थ टाइम से। नमस्कार।